दिन पर दिन बढ़ती रही। वरदान गरुड़ अपना ओरी से कहित बा कि आज के दिन जे भी स्त्री जीवित पुत्रिका के जितिया के व्रत करी उकर सुहाग और संतान के आयु बढ़ी रहे। ऐसा वरदान दे के गरुड़ नाग गरुड़ स्वर्ग लोक चल गए। राजा भी अपन ससुराल से अपन पत्नी के साथे कुछ दिन में अपना घर वापस आए। रौद लगा के चले तो महाभाग अ विषय में विचार करे के आवश्यकता न बा। हे राजन, सप्तमी से विध अष्टमी के व्रत करे के चाही आ नवमी के पारण करे के चाही। अइ तरह से व्रत कैला से जिमुत वाहन के अइ तरह से वरदान दे के गरुड़ वैकुंठ धाम चल गेल आ राजा अपन पत्नी के साथे अपना घरे वापस आ गए। तो धौम जी द्रौपदी से कहित बारन की हे देवी, ई अतिशय दुर्लभ व्रत हम तोहरा के बतलैली आ, अइ व्रत कैला से बच्चा लोग दीर्घायु होखले। हे देवी, तुहु जाके पूर्वोक्त विधि से ई व्रत करा आ दुर्गा जी के पूजा करा, तोरो अभिलाषित फल प्राप्त हो। तो द्रौपदी जी के धौम ऋषि बतैलक। मुनिराज धौम के बात सुन के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार के कौतूहल उत्पन्न होल आ जाके अपन टोला परोसा के स्त्री सब से बतैलक आ सब जना मिल करके व्रत कैलक। आ व्रत के व्रत के संपन्न होला के बाद में ओकर सुहाग और बेटा सब के आयु दिन पर दिन बढ़े लागल। अब ये धौम जी जो द्रौपदी से कथा व्रत के बारे में बतलबित रहे तो एगो चील है वही व्रत के विधि विधान सब सुन लेलक आ जाके अपन सखी सियारिन के सुनैलक। दोनों जना मिल के व्रत कल कि जीवित पुत्रिका के व्रतबा पंडित जी से हम सुन के आयल बारी, अरे व्रत कैला से बच्चा लोग के आयु बढ़ल। तो चील अपन सखी के एगो पीपर के पेड़ रहे जे पर ऊपर खोता बना के चील रहित रहे आ ओकरे जरवा में से सियार रहित रहे। दोनों जना से मित्रता रहे, दोस्ती रहे। दोनों जना उ व्रत के कहलक आ चील जाके अही सब तरह गांव में कहीं कथा होत रहे तो पंडित जी से कथा सुन के आयल आ रात में अपन सखी के सुनावे लाग। आधा कथा अभी भेल रहे, आधा बाकी रहे कि सियारिन के भूख बर्दाश्त न भेल आ उ चल गेल श्मशान में आ जाके मुर्दा के मांस इच्छा भर खा के चल आयल। आ चील बिना कुछ खेले पीले रह गेल। सवेरा जब भेल तो गौशाला में गेल आ गाय के दूध दूह के गौशाला वाला गाय वाला रहे दूध दूह के धैले बाल्टी में जाके दूध पी के आ उड़ गए। वही तरह से पारण कर लेलक। अब धीरे धीरे समय बीते लागल। वृद्धावस्था में आयला के कारण दोनों के मृत्यु भेल। मृत्यु भेल तो दोनों जना के संजोग से एक एक घर में जन्म भेल। जे सियारिन भेल से जेठ बहिन भेल आ चील छोट बहिन भेल। दोनों जना अयोध्या के कोनो धनी मनी के घर में जन्म लेल। दोनों के पूर्व जन्म के कर्म फल से बहुत भाग्यशाली उ दोनों जन्म लेलक। खूब पढ़े लिखे में जरिए से चनसगर रहे, पढ़े लिखे में देखे सुने में हर तरह से सुंदर रहे। बड़का घरी धनी मनी घर में जन्म ले ले रहे। अइ लेल ओकरा काशी के राजा से छोटकी बहिन बड़की के बियाह भेल आ छोटकी जे चील रहे पूर्व जन्म में ओकर वही राज्य के मंत्री से विवाह भेल। विवाह बहुत बढ़िया से पंडित जी के द्वारा गीत मंगल जनी सब गाउ करके विवाह के संपन्न भेल। अब रानी पूर्व जन्म के कर्म फल से मृगनयनी रानी बनल आ जितना भी संतान के जन्म ले देवे सब मर जाए। आ मंत्री के पत्नी के आठ गो बेटा भेल। अष्ट वसु देवता के समान आठों बेटा बहुत सुंदर होके आ सब जीवित रह। अब बहिन के बेटा के जीवित देख के एकरा ईर्ष्या दोष जलन होए लागल। अनेक उपाय तब राजा से जाके कहित बा कि अगर तू हमरा के जीवित देखे के चाहित बा
तो वही लड़का के मंत्री के बेटा के वही जगह भेज दा जहाँ की हमार सब गेल बा।